एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है बच्चों, जो कि है रुपीज़ 4,80,000। टैक्स आपको दे रखा है 20% और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है आपको रुपीज़ 8,00,000। आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं इस कंपनी के, वो है रुपीज़ 25,00,000, और डिबेंचर्स ही कंपनी का ओनली डेट है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है बच्चों कि इन डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझिए बच्चों। सबसे पहले क्या करिए, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको मल्टीप्लाई करिए टैक्स 100 से और डिवाइड करिए टैक्स के रेट से, बल्कि 100 माइनस टैक्स रेट से करिएगा, सिर्फ टैक्स रेट से नहीं। ठीक है बच्चों, इससे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है रुपीज़ 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा बच्चों। 86 480 होता है, तो ये 6,000 हो जाएगा। इन टू 100 करेंगे तो ये 6,00,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, आ गया समझ में 6,00,000 कहाँ से आया। अब एक बात और समझिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर इंटरेस्ट हटा दिया जाए, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी का तो एक ही डेट है डिबेंचर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया करता है। आपको ये दे रखा है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि है रुपीज़ 8,00,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इक्वल होगा रुपीज़ 6,00,000 के, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमने जस्ट अभी निकाला। ठीक है बच्चों, हाँ वैसे हमारा ये सेकंड स्टेप है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों वो भी समझ लीजिए। आपको इससे इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज़ 2,00,000। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट उधर चला जाएगा, 6,00,000 इधर का माइनस हो जाएगा के, तो इंटरेस्ट की वैल्यू 2,00,000 आ जाएगी। अब आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है बच्चों और डिबेंचर्स का अमाउंट भी पता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर आपको निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगर आपको निकालना है तो सिंपली इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, जो कि रुपीज़ 2,00,000 है, डिवाइड कर दीजिए डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से। ये डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू ही है बच्चों, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है बच्चों, एक दो एक दो एक दो तीन दो तीन। अब ये 200/25 जो होता है वो एग्जैक्टली 8 होता है बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा निकल कर आया 8%। आ गया सुनने बच्चों कैसे निकला आंसर, ये है ना आसान, बहुत ही आसान है बच्चों। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल दे रखा है सीबीएसई सैम्पल पेपर में। आप सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सेम है बच्चों, इसके जैसा ही है। ये आ गया तो वो आ जाएगा, और वो आ गया तो आप इसका सिर्फ क्वेश्चन देख के ही इस सॉल्यूशन को खुद निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई मेरी बात।